सो गाइज फाइनली हमारे पास है वीवो की तरफ से आने वाले V17 Pro, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज YouTube पर हैं, पर हमने सोचा क्यों ना हम भी रिव्यू कर ही देते हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये दोनों फ़ोन हैं और क्वालिटी और कंडीशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए, सभी साइड से अच्छा और फ्रेश फ़ोन है। अगर आप चाहें तो सिंगल पीस भी मंगवा सकते हैं। वैसे ये Flipkart का प्रेक्सो वाला लॉट का माल है और हमारे पास है, अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। कंडीशन बिल्कुल ही फ्रेश है और आप सभी को बिल भी मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में शिपमेंट बिल्कुल फ्री है, पर आपको प्रीपेड करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्दी कैश ऑन डिलीवरी भी चालू कर देंगे, आप सभी की ऐसा ही सपोर्ट रहा और दुआ रहा। तो चलिए वीडियो फटाफट को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इसके फीचर्स के बारे में। वैसे बहुत सारे रिव्यू भी होंगे, पर हमने सोचा हम भी इसका रिव्यू तो कर ही देते हैं। तो ये है V17 Pro फ़ोन। इसके इस स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले चीज़ आती है इसकी बॉडी टाइप। इस बॉडी टाइप में आपको मिल जाता है फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन और प्लास्टिक की मिलती है फ्रेम। यहाँ पर मेटल की फ्रेम नहीं है, प्लास्टिक की फ्रेम है, पर गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है फ्रंट और बैक साइड में। ये अच्छा पॉइंट हम बोल सकते हैं। डुअल सिम है, नैनो सिम दो लगती है इसमें, पर मेमोरी कार्ड नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर अच्छा स्टोरेज मिलता है, पर मेमोरी कार्ड का स्लॉट होना चाहिए था, आई थिंक मेरे हिसाब से तो फिर होना ही चाहिए था। इसमें जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो है यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसका मुखड़ा तो देखिए कितना चमक रहा है, ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले की ही तो खास बात है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 6.4 इंच का डिस्प्ले, अच्छा आउटपुट, अच्छा रेशियो, अच्छी क्वालिटी का आपको आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ साथ इसमें आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस जो कि है 9.0 एंड्रॉइड, हमने ऑलरेडी इसको कर दिया अपडेट 10.0 के अंदर। इसमें फन टच मिलता है 9.1 और चिपचैट यानी कि प्रोसेसर की बात आती है तो करते हैं हम यहाँ पर प्रोसेसर की बात। स्नैपड्रैगन 675 11nm का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। एक अच्छा आउटपुट, अच्छी गेमिंग का आपको एक्सपीरियंस देगा ये वाला प्रोसेसर और अच्छी स्पीड। GPU की बात करते हैं यहाँ पर एड्रीनो 612 यानी कि 612 GPU इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाता है। प्रोसेसर स्पीड बहुत ही फास्ट है, आप बहुत फास्टली यूज कर सकते हैं इस फ़ोन को, अच्छे से गेमिंग भी कर सकते हैं। इसमें 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज मिल जाता है। मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, ध्यान रखिएगा बबुआ, मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। UFS 2.1 का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी की बात आती है तो फिर इस फ़ोन का तो कुछ तोड़ ही नहीं है, कैमरा क्वालिटी में तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही फाड़ू आउटपुट आपको मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, प्राइमरी मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 1.8, अच्छा आउटपुट आपको प्रोवाइड करवाता है। बाकी सेकंड वाला जो है वो है 8 मेगापिक्सल, जिसका अपर्चर है 2.2, अच्छा है, पर अल्ट्रा वाइड पिक्चर आप इससे क्लिक कर सकते हैं। थर्ड वन है जो कि है टेलीफोटो यानी कि जूम वाला, अच्छे से आप उससे फोटोग्राफी कर सकते हैं। साथ साथ 13 मेगापिक्सल है भाई, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। लास्ट वाला है जो कि है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ फोटोग्राफी के लिए, 2.4 एपर्चर वाला, अच्छा सा लेंस और अच्छा सा कैमरा हम बोल सकते हैं इस फ़ोन के बारे में। और इसमें 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से। अगर आप रिकॉर्ड करते हैं 1080p पर तो आप यहाँ पर जा सकते हैं अच्छा एक बाउंस तक। स्लो मोशन अच्छा आप इसमें रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। सेल्फी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाते हैं डुअल सेल्फी कैमरे जो कि है कुछ इस टाइप के, कैसे लगे डुअल सेल्फी कैमरे जो कि दो दो बाहर आते हैं। जो फर्स्ट वाला जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर मिलता है 32 मेगापिक्सल का, सेकेंड वाला मिलता है वो है 8 मेगापिक्सल का। एक है वाइड और एक है अल्ट्रा वाइड, दो ही कैमरे हैं, HDR का सपोर्ट दोनों ही मिल जाए, पर फ्रंट वाले कैमरे में आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, फुल HD से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पर 3.5mm का जैक मिल जाता है जो कि ऊपर की साइड है, ये एक अच्छा पॉइंट हम बोल सकते हैं। यहाँ पर माइक है, बाकी नीचे की तरफ टाइप सी है, सिम स्लॉट है माइक, और यहाँ पर है स्पीकर। बाकी इसमें 5.0 मिल जाता है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, अच्छे से आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इतना कुछ है नहीं इसके बारे में डिटेल बताने के लिए। बाकी एक चीज़ आ गई, फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि डिस्प्ले के अंदर ही है, अंडर डिस्प्ले सेंसर है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, त्यों करके ये डिस्प्ले यहाँ से ओपन हो जाएगी। एक अच्छा हम यहाँ पर पॉइंट बोल सकते हैं, बैटरी बैकअप 4100mAh की बैटरी है, 4100mAh की बैटरी अच्छा प्रोवाइड करती है बैकअप। मैंने यहाँ पर 6% चार्ज किया था, अच्छे से वीडियो बनाया जो कि यहाँ पर 4% है, उसमें बहुत सारे रीटेक भी आए हैं,
क्योंकि मेरे बोलने का तरीका ऐसे ही है भाई, रिटेक तो आ ही जाते हैं। छोटा सा रिव्यू था इस फोन को लेकर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लगा ही होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लाइक करें, अगर नहीं लगा तो भी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी और भी अच्छी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बबुआ बाय।